ये देखिए दोस्तों, इधर जैसे चढ़ते हैं, ये मंदिर अभी बन रहा है। अभी इधर बहुत कुछ बन रहा है दोस्तों, बहुत कुछ बन रहा है दोस्तों यहाँ। मतलब ना पहले कुछ भी नहीं था, उस हिसाब से अभी बहुत ही अच्छा हो गया है। इधर देखिए हनुमान जी का मंदिर है छोटा सा, और उधर भी कुछ कुछ मूर्ति वगैरह है। घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों, जैसे पिकनिक वगैरह के लिए भी आना चाहते हैं कोई तो यहाँ पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं। कुछ पार्टी वगैरह के लिए तो पार्टी भी कर सकते हैं। और जैसे मैं आप लोग को दिखाई, वो किराया से देते हैं तो उसमें आप लोग आ कर के व्यवस्था वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पार्टी, शादी या बर्थडे वड्डे जो भी है वो सब निपटा सकते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा जगह, पूरा पहाड़ी है। ये देखिए पिकनिक के लिए आते हैं यहाँ सब। और देखिए मूर्ति वगैरह बना हुआ है, इधर शिव जी का है और इधर हनुमान जी का है। चलिए पहले हनुमान जी की तरफ। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों आज नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नया है, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी हम लोग कहाँ हैं। अभी भी हम लोग यहीं पहरिया पार्ट के पहाड़ में ही हैं। माता रानी का मंदिर है पीछे, और आप लोग को मैं अभी बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा दिखाऊंगी। अगर आप लोग यहाँ चाहे तो घूमने आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है, और बहुत लोग आते भी हैं जिन लोग को पता है। तो हम लोग का छत्तीसगढ़ का एक जाना माना जगह है ना जी। कल बहुत ही अच्छा हो गया था, उसके वजह से चारों तरफ को दिखाते नहीं बना पहाड़ के ऊपर। तो आज जंगल बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा जगह है, और बहुत सारा जगह है आप लोग देख सकते हैं कुछ कुछ। तो अभी आप लोग को दिखाऊंगी, अभी पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, भूख लग रहा है, फिर उसके बाद में दिखाऊंगी आप लोग को नज़ारा। और उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और तो फिर चलिए चलते हैं। चेत कर बने, चेत कर ले तो ले तो। ये दे बड़ा गजब खाता तू, लेकिन मानना पड़ी तू तो भाभी लू खे खाए के भाच गए तरीका से भार। सूता थे भाई, ठीक है ठीक है। तो चिल्ला मुल्ला मिलीस गा उपको दाम गा देख तो बने चेत कर, देख 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 चेत कर, तो चेत कर तो हम लोग का खाना वाना हो गया, अभी चलिए आप लोग को फिर सैर सपाटा करवाती हूँ। देखिए सब लोग खा लिए हैं, उसको देखो पानी पी लिया। खाना खा के चलो चलते हैं। हाँ ये दोस्तों मैं बताती हूँ क्या क्या है। ये पीछे देख रहे हैं आप लोग, ये माता रानी का मंदिर है सीधा जो येलो कलर में है, और मैं तो कल आप लोग को दर्शन कराने भी लेके गई थी। और इधर देख सकते हैं पंडाल बना हुआ है, इसी में कल दूजन बाई का कार्यक्रम हो रहा था जो पंडवानी कर रही थी। और ये जिम वाला है, जैसे पार्क वगैरह में होता है ना वैसे जिम करने के लिए इधर जिम का दिया हुआ है। और यहाँ उधर खाना वाना बना था, क्योंकि उधर को अभी जैसे धर्मशाला वगैरह होता है ना वैसे टाइप किराया में लिए हैं। और इधर जैसे कि मैं बताई थी ना, मेरे भाई का शादी भी यहीं हुआ था, जिसके बेटा का छठी हुआ अभी। उसके उसके पापा का मतलब मेरे भाई का शादी यहीं हुआ था, तो यहाँ मंडप गड़ा था, दूल्हा दुल्हन दोनों का एक साथ शादी हुआ यहीं पहाड़ में शादी हुआ। बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए थे, और इधर दुल्हन लोग रहते थे, ये वाले जो
ये वाला जो घर दिख रहा है इधर तरफ, और वो जो दिख रहा है ना जहाँ भी हम लोग जाके खाना खाए वहाँ हम लोग रहते थे लड़के वाले लोग, और शादी यहाँ मंडप गड़ा था तो यहाँ मंडप में हुआ। उस समय बहुत अच्छा लगता था, पर उस समय दोस्तों मैं ना वीडियो नहीं बनाती थी, व्लॉगिंग नहीं करती थी, इसीलिए ना बना नहीं पाई, तो आप लोग को दिखाने नहीं मिला, लेकिन अब जो भी करूँगी सब देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों और दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए दोस्तों, इधर जैसे चढ़ते हैं, ये मंदिर अभी बन रहा है, अभी इधर बहुत कुछ बन रहा है दोस्तों, बहुत कुछ बन रहा है दोस्तों यहाँ, मतलब ना पहले कुछ भी नहीं था, उस हिसाब से अभी बहुत ही अच्छा हो गया है। इधर देखिए हनुमान जी का मंदिर है छोटा सा, और उधर भी कुछ कुछ मूर्ति वगैरह है। घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों, जैसे पिकनिक वगैरह के लिए भी आना चाहते हैं कोई तो यहाँ पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं, कुछ पार्टी वगैरह के लिए तो पार्टी भी कर सकते हैं। और जैसे मैं आप लोग को दिखाई, वो किराया से देते हैं तो उसमें आप लोग आ करके व्यवस्था वगैरह हो जाता है, तो यहाँ पार्टी शादी या बर्थडे वड्डे जो भी है वो सब निपटा सकते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा जगह, पूरा पहाड़ी है। ये देखिए पिकनिक के लिए आते हैं यहाँ सब, और देखिए मूर्ति वगैरह बना हुआ है, इधर शिव जी का है और इधर हनुमान जी का है। चलिए पहले हनुमान जी की तरफ चलते हैं, पास में है आज इधर मिश्री, और ऊपर चढ़ने के लिए भी व्यवस्था बढ़िया है, पैदल नहीं आना पड़ता है, गाड़ी वगैरह कार सब आ सकता है यहाँ, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है पहाड़, पैदल भी चढ़ सकते हैं। और ये देखिए कितना बड़ा मूर्ति है हनुमान जी का। मिश्री कहाँ तक आ रही है, मिश्री का कंधे तक आ रही है, जो चबूतरा बना है ये, और उसके बाद हनुमान जी देखिए कितना बड़ा है, ये देख सकते हैं। और इधर ये देख मेरे भाई और मिश्री के पापा कहाँ गए थे, तो चलिए दिखाती हूँ इधर। ये देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा है। पिकनिक वगैरह के लिए अगर आप लोग इधर आना चाहते हैं तो इधर आके अपना बना खा सकते हैं, है ना। ये देखिए अब चलिए उधर चलते हैं शिव जी की तरफ। चलिए दोस्तों शिव जी का दर्शन कराती हूँ आप लोग को। काल भैरव है। ये देख सकते हैं ये भी बहुत बड़ा मूर्ति है, और इधर पहाड़ है, पहाड़ का नज़ारा ही कुछ और होता है ना मिश्री। नहीं चढ़ना, भगवान जी रहते हैं उसमें नहीं चढ़ते हैं, दूर से देखते हैं, जय करते हैं। ये देखिए जय काल भैरव, ये देखिए। कल आप लोग को नहीं दिखा पाई थी दोस्तों, कल तो हम लोग उधर ही थोड़ा सा बिजी हो गए थे, सब लोग से मिले थे तो आप लोग को दिखाने का मौका ही नहीं मिला था ये सब को मेरे को। ये देखिए बहुत मस्त है दोस्तों, मेरे को लगता है पहले ना ये रास्ता रहा होगा, आप लोग भी देख सकते हैं रास्ता जैसे दिख रहा है ना, ये रास्ता रहा होगा पहले, और अभी भी कोई आता जाता होगा तो शायद रास्ता होगा। साफ है इधर, पत्थर वत्थर नहीं है दोस्तों। उधर चलते हैं, आप लोग को उधर दिखाती हूँ, बहुत बड़ा अर्धनारेश्वर का मूर्ति बना हुआ है वहाँ, बहुत ही अच्छा है, तो देखिए। हाँ मैं तो उसके अंदर भी गई हूँ। अंदर भी गई है? हाँ। चलो थक गई। अभी जिम करने जा रही थी तो नहीं थकती, उसमें झूला समझ के खेलती हूँ, उसमें जिम वाला को झूला समझती है। हाँ, फिर पैर दर्द करता है तो मैं मिसती हूँ, फिर हाथ पर दबवाती है मेरे से अच्छा से, है ना। कल दोस्तों बता रहे थे सब लोग यहाँ बहुत ना वो बिच्छू निकल रहा है करके, रात में जैसे रात में यहाँ कार्यक्रम हो रहा था ना, तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और पहाड़ है तो रात के समय ना बिच्छू निकल रहा था करके बोल रहे थे सब लोग। कई लोग देखे हैं 3 ठो 4 ठो ऐसे करके,
पर मैं तो नहीं देखी हूँ क्योंकि मैं एक जगह ही बैठी थी, कहीं नहीं गई थी, वहीं पास थी। और हम लोग रात को यहाँ नहीं रुके थे, रुकी थी कुछ देर के लिए देखने के लिए कार्यक्रम, उसके लिए उसके बाद में बुआ के घर चले गए थे हम लोग। बुआ के घर में ही सोए थे, वहीं सुबह उठ के नहाए वहाए हैं, तैयार होके फिर आए हैं यहाँ, नहा के नाश्ता वास्ता वहीं किए हैं, उसके बाद में यहाँ आ गए। और फिर यहाँ भी खाना वाना भी खा लिए हैं, और खाना वाना खाने के बाद अब जाएंगे हम लोग मेरे मायके नुनेरा जाएंगे, तो वहाँ के लिए निकलेंगे अभी। मिश्री के पापा को देखिए इधर, वो भी वीडियो बना रहे हैं, ये देख सकते हैं। और आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का अर्धनारेश्वर मंदिर, मंदिर नहीं स्टेचू है, मूर्ति बना है बहुत बड़ा। देखिए दोस्तों कितना बड़ा मूर्ति है अर्धनारेश्वर का। और मिश्री को देखिए क्या कर रही है। तो दोस्तों आप लोग कब आ रहे हैं घूमने, कमेंट करना, है ना। देखिए ये दोस्तों हम लोग सबसे विदा ले लिए, अब घर चलते हैं, वहाँ मैं अपने मायके जाऊंगी अभी, वहीं चलते हैं। पूरा सब रेडी है, चलो। प्रसाद ए कहाँ जा रहा है, इधर चल। हेलो बोल, हेलो बोल सबको। हेलो बोल। यही मेरा भतीजा है दोस्तों, इसी का छठी हुआ है बदमाशों का, है ना बेटू। तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से, देख इन लोग भी जा रहे हैं। बाय बाय। ये हनुमान जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, राम राम जपते हुए, राम राम जपते हुए। मैं सबको दिखाई हूँ, घुमाई हूँ, है ना फ्रेंड। अभी हम लोग जाते हैं, ये पिकनिक स्थल भी है दोस्तों, यहाँ पिकनिक मनाने भी आते हैं कभी। कल रात में हम लोग ऐसे ही उतर रहे थे दोस्तों, तो अचानक से गाड़ी बंद हो गया और लाइट भी बंद हो गया था ना जी, और उधर से भी गाड़ी आ रहा था सामने से, तो कैसे उन लोग को नहीं दिख रहा है करके, और इनको पता भी नहीं चल रहा था क्योंकि एक्सीलेटर देना नहीं पड़ता है शायद, है ना। हाँ, बिना एक्सीलेटर के दौड़ रहा था गाड़ी, मैं सोच रहा हूँ गाड़ी ऑन है। और लाइट को जला, लाइट को जला बोल रहे थे मिस्त्री को, है ना। हाँ जला था मिस्त्री, जला रही थी, बिना स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है गेट यहाँ का, पहाड़ चढ़ते हैं ऊपर, ये है। तो चलिए यहाँ से निकल।